तो आज प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपना चौथा बजट पेश किया। पिछले 93 डेज से इस देश में एक डिबेट चल रही है कि जो डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर को हुआ था उससे देश को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। आज का जो बजट है वो उस डिबेट का जवाब दे देता है कि डिमोनेटाइजेशन से बहुत नुकसान हुआ है इस देश को, इसलिए जो आज बजट लेके आई है सरकार वो बजट ऐसा है जो कहता है कि मैं कुछ खराब नहीं करूंगा, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, मैं कोई टिंकरिंग या चेंजेस नहीं करूंगा, मैं और कोई शॉक नहीं दूंगा इकोनॉमी को, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी की हालत नाजुक है। सो आज का जो ये बजट है वो इस चीज को प्रूव करता है कि डिमोनेटाइजेशन से इतना डैमेज हुआ है कि आज सरकार ने कहा कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम पेशेंट को रिकवर करने देंगे। अब दो तीन चीजें और अगर आप देखें इस बजट के बारे में, बहुत पॉजिटिव है कि ये टैक्स एंड स्पेंड बजट नहीं। डर लग रहा था लोगों को कि टैक्स बढ़ाए जाएंगे, सर्विस टैक्स भी बढ़ाया जाएगा और उससे जो सरकार को आय आएगी उससे वो बड़ी बड़ी स्कीम्स पे स्पेंड करेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज का बजट टैक्स और स्पेंड नहीं है, क्योंकि टैक्स बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया। एक और अच्छी चीज़ जो हुई है वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, जो कि एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोसेसिंग बीच में आ जाता है, उसको अबॉलिश कर दिया गया है। लेकिन वो तभी अच्छा होगा अगर FDI पॉलिसी को आप इतना लिबरल बना दें कि सब कुछ जो है ऑटोमेटिक अप्रूवल में आ जाए। वो आज सरकार ने कमिट नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे उसको कितना लिबरल हम बनाएंगे। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप FDI पॉलिसी को खूब लिबरल बना देते हैं तो FIPP का जो अबॉलिशन हुआ है आज वो बहुत ही एक पॉजिटिव स्टेप होगा। एक तो और काम सरकार ज़रूर कर सकती थी, कॉरपोरेट टैक्स रेट्स उम्मीद थी कि वो एकदम काटे जाएंगे, 33% जो है सरचार्जेस के साथ वो 25% पे आएगा, शायद कुछ लोग तो कह रहे थे कि 20% पे भी आ जाए और सारे एग्जेम्पशन हटा दिए जाएं, बहुत ही पॉजिटिव होता। लेकिन उन्होंने ये काटा है तो सिर्फ छोटे सेक्टर में काटा है, सिर्फ उन कंपनियों के लिए काटा है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है। हमारे हिसाब से अगर ये सबके लिए कर देते तो बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव चीज़ होती। शायद हम लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को इतना तो धन्यवाद देना चाहिए कि आपने कुछ नेगेटिव ना करके उस पेशेंट को, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जो कि क्रिटिकल केयर यूनिट में बीमार पड़ी हुई है, आपने उसको कहा है कि हम अब तुम्हें बिल्कुल नहीं तंग करेंगे, कोई झटका नहीं देंगे, अब तुम वक्त के साथ अपने आप को बेहतर बनाओ।